बहुत ही प्यारा सूट का कलेक्शन लेकर आई हूँ और ऐसा कलेक्शन है कि एक एक सूट को आप यही कहेंगे कि भाई ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है और ये वाला भी अच्छा है। जी हाँ, इसमें आपको ऐसे ऐसे सूट देखेंगे जो आपने शायद पहले नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये न्यू ट्रेंडी फैशन है और अभी काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और इसकी जो भी मतलब खासियत है ना, वो सबसे पहले तो ये है कि इसमें आपको फ्रॉक ही दिखाई जाएगी जो कि फ्रॉक होती है। अब जैसे ये व्हाइट वाली फ्रॉक है, झालर वाली, इस टाइप की फ्रॉक भी आप बनवा सकती हैं। आप चाहें तो इस टाइप की भी फ्रॉक बनवा सकती हैं, आप चाहें तो ये भी ऐसे भी ट्राई कर सकती हैं। अगर आपको फ्रॉक वाली वीडियो देखनी है तो ये वीडियो बहुत बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि अभी जो है ना शॉर्ट फ्रॉक चल रही है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं चल रही है। और शॉर्ट फ्रॉक भी देखिए ऐसी चल रही है जो स्टाइलिश हो, एकदम पहनने के बाद ऐसा लगे भाई कितनी प्यारी कैजुअल भी लगती है और एकदम ट्रेंडी फैशनेबल एकदम बढ़िया सी लगती है, तो लुक बहुत अच्छा आता है। और देखिए इतनी मेहनत भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कम मेहनत में और बहुत ही अच्छा सूट सिया हुआ है इसमें। देखिए ये वाली फ्रॉक देखिए, वन कलर है, ओनली वन कलर, और देखिए इन्होंने इस तरीके से कितना प्यारा लुक दिया है इसको। तो हमें ज़रूरत होती है बस थोड़े से आइडियाज़ की। होता है ना कि हमें कपड़ा लेकर आ जाते हैं, फैब्रिक लेकर आ जाते हैं मार्केट से, लेकिन समझ में नहीं आता भाई इसका सलवार सूट सिए या पैंट सिए या फिर प्लाजो सिए, क्या सिए समझ नहीं आता। लेकिन थोड़े से अगर आप मेरी वीडियोज़ देख लें ना, तो आपको इतने सारे आइडियाज़ भी आ जाएंगे और साथ में ये भी पता चल जाएगा कि फैशन में क्या चल रहा है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता होता कि फैशन में चल क्या रहा है। लंबी कमीज़ें चल रही हैं, छोटी कमीज़ें चल रही हैं, या फ्रॉक चल रही है, या फिर जो है प्लाजो चल रहा है, शरारा चल रहा है, कुछ पता नहीं होता। अगर वो पता करना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपको सब पता चलेगा ट्रेंड में क्या है। तो बात करते हैं ये वाले सूट की। तो ये तो कॉट सेट भी कहा जाता है, जो नाइट में जब हम सोते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम नाइट में सोते हैं और फिर ये वाला सूट पहन लेते हैं, एकदम कोई मेहमान गेस्ट आ जाते हैं, हम सोचते हैं वाह हम इतने अच्छे लग रहे होंगे इनको, वो भी कहते हैं वाह तुम तो बहुत अच्छा सूट पहनी हुई हो, फिर हम ये कहते हैं कि जी ये तो हमारा नाइट सूट है। तो कितना मतलब एकदम प्यारा सा फील होता है कि हाँ चलो सोते हुए भी ये कितने प्यारे कपड़े पहनते हैं। तो अपने लिए इंसान को जीना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ तारीफ़ें ही बटोरनी है, लेकिन हमें अपने लिए खुद के लिए, अगर हमें अच्छा लगता है तैयार होना, अगर हमें अच्छा लगता है अच्छे अच्छे सूट पहनना, अगर हमारा दिल करता है कि भाई हमारे अंदर इस चीज़ से अगर थोड़ा भी कॉन्फिडेंस आता है ना, तो इंसान को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए ज़िंदगी में। हमेशा ये नहीं कि बस काम में लगे रहें, दूसरों के दिल रखने में लगे रहें, जी नहीं, अपने आप के लिए भी इंसान को थोड़ा बहुत टाइम निकालें, जिससे आप अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकेंगे, कॉन्फिडेंस पैदा कर सकेंगे। तो बात कर रहे हैं हम कपड़ों की, तो कपड़े अगर आप अच्छे पहनेंगे तो आपके अंदर अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, और ये बहुत पहली सीढ़ी होती है ख़ुद को आगे बढ़ाने की, कि आप सबसे पहले खुद अच्छी लगें। जब आप शीशे में जाकर देखें तो खुद को प्राउड फील करें कि वाह मैं बहुत ही अच्छी हूँ और मुझे जो है सबसे अच्छा बनाया गया। तो ये चीज़ें जो है ना दिमाग में रहती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इंसान को खुशी रहती है, और खुश जब इंसान होता है ना तो उसका हर काम बहुत अच्छा होता है, चाहे वो उसकी पढ़ाई हो, चाहे वो उसका घर का काम हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो बच्चे संभालना हो, चाहे वो सास ससुर की खिदमत करना हो, कुछ भी हो, जब इंसान खुश होता है वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। तो खुशी इंसान को जब भी मिलती है, जब वो साफ़ सुथरे प्यारे खूबसूरत कपड़े पहनेगा, अपने आप को अच्छा दिखाएगा। तो देखिए कितने सारे इसके अंदर आपको डिज़ाइंस मिल गए, साथ साथ मेरी बकबक भी सुनने को मिल गई। लेकिन अगर मेरी इस बकबक में ज़रा भी कुछ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि मेरी पूरी वीडियो कोई देखता होगा, क्योंकि व्यूज़ का जो सिलसिला है ना वो शुरू से ही कम है, एंड बस कोशिश करते जा रहे हैं कि बस पता नहीं किस्मत में आगे बढ़ना होगा तो बढ़ जाएंगे, वरना कोशिश तो हमारा काम है, बाकी सब ऊपर वाले का नाम है। तो बस वही चीज़ है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और एक चीज़ बता देती हूँ, आपको जो भी पसंद आए ना उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि जब आप ये सब बनवाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाय।